प्रिय छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन, जो हम पहले कुछ पढ़ा भी चुके हैं और आज हम अगला ले रहे हैं। और वह है ऊपर शब्द के लिए पे, पर, या ऊपर शब्द के लिए आता है ऑन, ओवर, एबव एंड अपॉन। अभी हम शुरू किए हैं ऑन और ओवर का, इसके बाद उसको करेंगे। ऑन का प्रयोग होता है जब हम कोई वस्तु आधार पर स्पर्श करते हुए रहता है, टिका रहता है, टिकने का स्थान है, उसको कहते हैं ऑन, ऊपर। जैसे बुक्स आर ऑन द टेबल, तो टेबल को टच करते हुए है तभी है उस पर टिका हुआ। बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, यहां पर टिका हुआ है, स्पर्श है, तब हम उसको लिखते हैं ऑन। लेकिन ऊपर शब्द का प्रयोग यदि हम हर जगह ऑन के बदले अवॉइड कर दें तो गलत हो जाएगा। तो यह ध्यान में रखना है कि स्पर्श होता है, टच किए हुए रहता है, आधार पर टिका रहता है, तब हम लगाते हैं ऑन, पहला पॉइंट। दूसरा, दिन के साथ ऑन, मंडे, ट्यूसडे, संडे, हम दिन के साथ भी करेंगे ऑन। आई वेंट देयर ऑन मंडे, he came here on Sunday, like this you can write। परिवहन के साथ, परिवहन का मतलब हुआ कोई यातायात के साधन है, साइकिल, ट्रेन, बस, उसके साथ हम लगाते हैं ऑन। इसके बाद ऑन फुट के अलावे, ऑन फुट, आई वेंट देयर ऑन फुट, तो ऑन फुट के अलावे ऐसे सवारी जिसके पीठ पर हम बैठते हैं, जैसे घोड़ा, हाथी, साइकिल, मोटरसाइकिल, ऑन बाइक, ऑन साइकिल, ऑन हॉर्स, तो ऑन का प्रयोग करेंगे। चूंकि हम टिके रहते हैं तो मुख्य चीज है टिका, जहां टिका हुआ रहता है, टिकाव का स्थान है, उस पर हम लगाते हैं ऑन। फिर की ओर के अर्थ में, की ओर, पवन ड्रीव ए डैगर ऑन हिम, यानी पवन उसकी ओर डैगर किया, तो इस प्रकार से हम ऑन की ओर के अर्थ में लगाते हैं। फिर विषय, दिस टॉपिक इज ऑन इंग्लिश, दिस टॉपिक इज ऑन संस्कृत, दिस टॉपिक इज ऑन गीता, इस तरह हम ऑन का प्रयोग करते हैं। अब हम चल रहे हैं ऊपर शब्द के लिए ही ओवर। ओवर का मतलब ये होता है स्पर्श न किया हुआ हो, तो उसको कहते हैं ओवर। ऐसा ऊपर जिसको हम छू सकते हैं, हटा सकते हैं, अपने हट सकते हैं, उस स्थान के लिए, ऊपर शब्द के लिए लगाते हैं ओवर। जैसे फैन इज मूविंग ऑन माई हेड, नहीं, ओवर माई हेड, मेरे सिर पर पंखा चल रहा है, तो सिर पर टच तो नहीं है, अनटच्ड है, तो इसको कहते हैं ओवर। आधारहीन के लिए हम ये भी कह सकते हैं एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर आवर हेड, ओवर द ट्रीज, क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड, सर्वत्र हर जगह के अर्थ में भी ओवर लगाते हैं। जैसे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑन द वर्ल्ड नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। से अधिक के अर्थ में हिज फादर इज ओवर 60, यू आर ओवर 20, यानी आप 20 से अधिक उम्र के हैं, नमस्कार, 20 से अधिक उम्र के हैं, इस तरह हम ओवर लगेंगे। समाप्त होने के अर्थ में रेस इज ओवर एट 4 PM, रेस इज ओवर एट 4 PM, एक छोर से दूसरे छोर के अर्थ में भी लगाते हैं ओवर। जैसे देर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, यहां एक छोर से दूसरे छोर पर ब्रिज, ऑन द रिवर नहीं। फिर आवश्यकता से अधिक के अर्थ में ओवर ईटिंग, ओवर स्पीकिंग, ओवर डाइटिंग,
इस तरह इसको हम पॉइंट को याद रखें और ओवर ऊपर शब्द के लिए हम प्रयोग करें तो गलत प्रीपोजिशन गलत नहीं होगा, ये हमारा विश्वास है और ये विश्वास करते हैं कि आप अच्छे से अच्छे नंबर इसमें ला सकते हैं। मिसिंग, एडिटिंग, करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये गलत नहीं होगा। ऑन, ओवर, अबव और अपॉन, ये पहले बता दिए कि सबका मतलब होता है पै, पर, ऊपर। ऑन और ओवर का अभी हम डील कर दिए, अब है अबव एंड अपॉन। अबव का मतलब होता है ऐसा इतना ऊपर जिसको हम छू नहीं सकते हैं, आधार तो नहीं है लेकिन इतने ऊपर है, अनलिमिटेड हाई जिसे हम छू नहीं सकते हैं, हटा भी नहीं सकते हैं, ऐसे ऊपर के हम लगाते हैं अबव। जैसे एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द ट्री, इस तरह काइट फ्लाइज हाई अबव। ठीक इसी तरह से अपॉन का भी होता है पर, ऊपर। लेकिन इसमें दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है कि इसका तो ऊपर उड़ना है ही, ऊपर चलना है, जो सिर से ऊपर है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं। लेकिन अपॉन का मतलब होता है किसी कारणवश यदि किसी के ऊपर कोई पड़ता है तो उसको उस पर लगाते हैं अपॉन। जैसे ही हिट द स्टोन अपॉन हिज हेड, यहां ऑन हिज हेड नहीं, अपॉन हिज हेड। ऑन होता है पहले से बैठा है तब, जैसे बुक इज ऑन द टेबल, बुक पहले से है। लेकिन अपॉन होता है किसी कारण महसूस के ऊपर पड़ा तब लगाते हैं अपॉन, जैसे ही हिट द स्टोन अपॉन हिम, या कैट जंप्स जंप्ड अपॉन द रैट, द टाइगर जंप्ड अपॉन द हंटर। इस प्रकार हमने देखा कि अपॉन का प्रयोग होता है गति के कारण, किसी कारण बस यदि कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर अन्य वस्तु के ऊपर पड़ता है तो पर शब्द के लिए, ऊपर शब्द के लिए लगाते हैं अपॉन, और एवं लगाते हैं आवश्यकता से अधिक ऊपर जिसे हम हटा नहीं सकते हैं, छू भी नहीं सकते हैं, सर को टेढ़ा करके देखना पड़ता है, ऐसे चीज के लिए हम ऊपर शब्द के लिए लगाते हैं एवव। लेकिन अनटच्ड है, लेकिन हमारे सीमा के अंदर में है जिसे हम छू सकते हैं, हटा सकते हैं, ऐसे ऊपर के लिए हम लगाते हैं ओवर। जैसे अभी हम बताया कि फैन इज मूविंग ओवर आवर हेड, अब अबव आवर हेड नहीं, ओवर आवर हेड। इसके बाद ऑन का बताया कि जो पहले से कोई वस्तु किसी ऊपर में रहता है तब लगाते हैं ऑन, और उसके लिए जितने पॉइंट हम लिखा दिए हैं उसको याद कर लीजिए। ऊपर ओवर शब्द के लिए, ऊपर शब्द के लिए ये चार चीज चारों का प्रयोग होता है, जबकि हिंदी में हर जगह पे, पर, ऊपर शब्द का प्रयोग होता है, वो ठीक रहता है। लेकिन इंग्लिश में अलग अलग शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, ऑन, ओवर, अबव एंड अपॉन, इस तरह इसे ध्यान में रखेंगे। तो इसके इसके संबंधित क्वेश्चन, मिसिंग, एडिटिंग, करेक्शन आपको गलत
नहीं होगा। दूसरी चीज ये ध्यान रखें, जो किताब में आप पढ़े हैं या जो हम समझा रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप देखेंगे रटेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए हमें व्यवहारिकता को ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर व्यवहारिकता को ध्यान में रखेंगे तो आपको जल्द ही याद हो जाएगा और भूलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे अभी एक मिनट के लिए बता रहे हैं कि अपॉन, हम जब कोशिश करते हैं तब किसी के ऊपर जाता है, तो यहां पर हो जाएगा अपॉन। कोई वस्तु ऐसा है जो बहुत अधिक ऊपर है तब लगाते हैं अबव, लेकिन अनटच्ड है, स्पर्श नहीं है, तब लगाते हैं ओवर। लेकिन जब कोई वस्तु पहले से है किसी वस्तु के ऊपर में स्पर्श किए हुए, तब लगाते हैं ऑन। दिस इज अ वे ऑफ लर्निंग एंड टू कंफर्म। कंफर्म होना जरूरी है, आत्मविश्वास होना जरूरी है। आत्मविश्वास होगा कब? जब आप उसको व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो आपको गलत नहीं होगा। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इस तरीके से अपने व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए रूल को ध्यान में रखें तो आपको गलत नहीं होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो इसे आप अपने पास जल्दी मिल जाए आपको, इसलिए इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और पूरा देखेंगे। ये सब अधूरा देखने से नहीं होगा, पूरा देखें ताकि आपको सुनते ही सुनते कमांड हो जाए और गलती होने की संभावना न रहे। दैट्स ऑल।